ना भगवान के खिलाफ है ना रामचंद्रमानस के खिलाफ है, लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या चर्चा होनी चाहिए। आप चौपाई पढ़िए ना, चौपाई मुझे तो याद है। नहीं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं, आप पढ़ दो चौपाई। ढोल गवार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब ये भी होता है, बता दो हम क्या है, हम क्या है, शूद्र है कि नहीं है। नहीं, शूद्र कहाँ से हो गए मुझे नहीं पता। अब ये बड़े ज्ञानी पत्रकार हो भाई, ए भाई इनका गंगा जल से पैर धो दो, सर धो दो इनका। अरे पत्रकार साथी, हर चीज में तुम ऐसा खेल खेलोगे। किस अखबार के हो? आज़तक। नाम क्या है इनका? उस्मान सिंह। पूरा बताइए ना। उस्मान सिंह, उस्मान चौहान। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो क्या तुम? कह दो तुम शूद्र हो, कह दो तुम शूद्र हो, तुम जाओ। तुम हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए, इसीलिए ना समझ मत बनो आज के जमाने में। अबे जी धोखा मत दो, एक नौकरी के लिए तुम समाज में इस तरह की चीजें मत रखो। एक नौकरी के लिए कुछ वेतन मिल गया है, जिंदगी चल रही है बस। अबे जी मैं यही सवाल तुम्हारे मुख्यमंत्री से पूछने जा रहा हूँ। और तुम्हें अगर नहीं बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लगता है। अगर तुम जैसे चैनल को नहीं बुरा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो चैनल बिका हुआ है। अबे जी एक तरफ तो नेताजी को सम्मान, दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा घटा ली जाती, तीसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से घेरा जाता है, क्या मंशा है इनकी? देखिए कोई मंशा नहीं है, बीजेपी हार रही है। क्लीन बोल्ड होने जा रही है यूपी में, क्लीन बोल्ड देख लेना आप, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है। इनका 22 खत्म नहीं हुआ, बीजेपी का 22 नहीं खत्म हुआ, क्योंकि बीजेपी ये मानती है 22 हुआ नहीं तो किसान की आय दोगुनी करनी पड़ेगी, करोड़ों नौकरी देनी पड़ेगी। बीजेपी वालों का 22 खत्म ही नहीं होगा 24 तक।